पूरे देश में गणतंत्र दिवस का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में इंदौर स्थित बीजेपी कार्यालय पर भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने झंडा वंदन किया और गणतंत्र दिवस की भाजपा कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। इंदौर में जावरे कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर सभी वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कार्यालय पर झंडा वंदन किया। उसके पश्चात सैकड़ों की संख्या में पधारे कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। झंडा वंदन कार्यक्रम में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव मौजूद रहे, जिन्होंने जनता से सामाजिक दायित्वों को निभाने की भी अपील की। न्यायपालिका ना कार्यपालिका, इन तीनों के ऊपर इस देश का संविधान है और यही संविधान हम सबको अपने मौलिक अधिकार के रूप में किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर काम करने की स्वतंत्रता देता है, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने मतों को प्रकट करने की ताकत देता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इन मौलिक अधिकारों का उपयोग कर लोगों की बात घर घर से निकाल कर सरकारों तक पहुंचाने का काम किया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो जनता की आवाज को, नागरिकों की आवाज को संविधान प्रदत्त तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। और आप सबको भी ये जानकारी होगी कि जनता पार्टी भी संविधान के आधार पर ही काम करती है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और एक आग्रह करता हूं कि अब समय आ गया है कि हम लोगों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के लिए भी जागरूक करें, जो कि इसी संविधान में दिया गया है। तो कुल तीन कर्तव्य जो नगर पालिक निगम इंदौर ने लोगों से आह्वान किया है, जल का संरक्षण, दूसरा ट्रैफिक के नियमों का पालन और पर्यावरण को बचाने का प्रयास, ये तीन आग्रह भी मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने संबोधित किया और कहा कि आजादी के अमृत काल में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की की ऊंचाई छू रहा है। कितनी कठिनाइयां हैं, कितना परिश्रम है, कितने बलिदान हैं, ये आप और हम सब जानते हैं। आज आजादी के इस अमृत काल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की जो साख है, दुनिया भारत की ओर देखती है और दुनिया का नेतृत्व भारत के नेतृत्व को दुनिया में सबसे शक्तिशाली और चमत्कारिक नेतृत्व के नाते जानता है। तो हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये सुन के देख के भी गौरव और गर्व की अनुभूति होती है। ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जैसा आज हमारे महापौर जी ने बताया कि हमारी कुछ सामाजिक और दूसरी जिम्मेदारियां भी बनती है, पर्यावरण के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इन जिम्मेदारियों का समय समय पर निर्वहन भी करते हैं। कोविड काल में जिस तरह की सामाजिक गतिविधियों में रह के लोगों की सेवा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, निश्चित तौर पे आज उस बात का भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा। आज जब दुनिया देश की तरफ देखती है और जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है और उस युद्ध में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब दोनों देशों से ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के छात्र वहां पे है
और उनको एक सेफ पैसेज दिया जाए, तो मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि दोनों देश युद्ध विराम करते हैं और भारत का झंडा लगा जो भी गाड़ी है वो जब निकलती है तो उसको सेफ पैसेज दिया जाता है। तो आज गणतंत्र दिवस पे हमारे देश की शक्ति का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि आज भारत के नेतृत्व की क्या क्षमता है, क्या शक्ति है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, गोपी कृष्ण नेमा, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी दीपक जैन, प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा, सविता अखंड, संदीप दुबे, शैलजा मिश्रा, सौगात मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।